जो स्कूल एक्टिव जो स्काउट्स एक्टिविटी है, सारे बच्चे थे उन्हां दे जो ट्रेनर हैं वो 12 तो एक स्कूल तो पहला मिलते हैं। सो जिहड़े भी इंटरेस्टेड होन पेरेंट्स प्लीज़ इन्हां नूं कॉन्टैक्ट कर लवो जां मैनूं कॉन्टैक्ट कर लेना तो मैं तुहाडा इन्हां दे नाल संपर्क करवा देंगा। थैंक यू वेरी मच। मैं बेनती करांगा पुष्पिंदर जी नूं कि वो अगे आ जाण हुण तो आप जिन्हों पंजाबी ते गुरमत प्रोग्राम बारे दसणगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बच्चे थक गए थोड़े थोड़े, जिहड़े छोटे छोटे बच्चे बैठे थक गए? ओके, कोई नहीं, तुसी आराम नाल बैठे रहो, मैं तुहाडे मम्मी डैडी नाल गल करनी है, ठीक है? सो यू आर ओके, यू डोंट टॉक टू मच टू लाउड बट यू कैन रिलैक्स, ठीक है? सो 2022 दे विच नवीआं गल्लां की ने, तुहानूं याद है कि नहीं? आपां नूं भुल गया कि असीं इन परसन मिलदे हुंदे सी। सो आपां बैक इन परसन 3D च आ। पेसिंग गाइड्स दे विच वीकली टेस्ट लिखे हुए ने, सो तुहाडे बच्चों की तैयारी तुसीं करा सकदे हो। असीं टाइम्ड रीडिंग शुरू की स्कूल दे विच तां कि बच्चों नूं फास्ट पंजाबी पढ़नी आ सके। तो एक मैं तुहाडे नाल बहुत प्यारी गल शेयर करनी है, 7 मिनट मैजिक, ठीक है? सो उहदे वास्ते तुसीं ट्यून च रहना। तो तुहानूं पता है कि तुहाडे बच्चे 12वीं क्लास दे विच ग्रैजुएट हुंदे ने, राइट? तुहानूं पता है तुहाडे बच्चे खालसा स्कूल चों वी ग्रैजुएट हुंदे ने? तुहानूं 7-8 साल लगते हैं, राइट? पर साडियां ग्रैजुएशन रिक्वायरमेंट्स हैगियां। की रिक्वायरमेंट्स हैगियां? जप जी साहब बच्चों नूं कंठ होना चाहिए। मैं तुहानूं एक गल दसना चाहनी हाँ, जप जी साहब दे विच 370 लाइना ने। जे असीं रिपीटिड लाइना काउंट ना करिए, जे तुसीं अपने बच्चे नूं घर दे विच एक लाइन रोज़ याद करा सको, मैं तुहानूं सिखावांगी किवें याद कराओगे, तां तुसीं अपने बच्चे नूं एक साल दे विच जप जी साहब कंठ करा सकदे हो। ते गुड न्यूज़ कि जिहड़ा बच्चा 10 साल की उम्र तो छोटे जप जी साहब कंठ कर लेंगे, उन्होंने असी $100 कैश स्कूल वालों दें। सो मेक श्योर बच्चों मनी अर्न करने के हेल्प कर दो। बच्चों 6 पौड़ियाँ आनंद साहब तो चौपाई साहब फ्लूएंटली पढ़नी आनी चाहिए है। कई बच्चे कंठ भी कर लेंगे पर पढ़नी आनी चाहिए है। बच्चों अरदास करनी आनी चाहिए है। तो रीडिंग टेस्ट जिहड़ा हुंदा है 100 शब्द घट्टो घट्ट 1 मिनट में पढ़ सकन पंजाबी दे, ते 80% उन्होंने कंप्रीहेंशन आनी चाहिए। इहदा मतलब उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पंजाबी समझ आनी चाहिए है। क्लास का टाइम गुरिंदर जी ने तुहानूं दस्सिया सी, हुणे लैवल 1 ते 2 दा 1 तो 3 होएगा, लैवल 5, 3, 4, 5, 6, 7, 8 दा 10 मिनट ज़्यादा टाइम होएगा, ठीक है? तो असी टाइम स्पेंड करते हैं गुरमत गुरबाणी क्लास के विच, पाठ याद करन दे विच, ते जपजी लाइन शब्द याद लाइन याद करन दे विच। तुहाडे बच्चों असी की सिखाना है, जिहड़ा वर्ल्ड लैंग्वेज स्टैंडर्ड है, जिहड़े सारी दुनिया दी लैंग्वेज सिखाने का एक्सपीरियंस रखते हैं, वह कहते हैं कि जे तुसी किसे बोली दे अल्फाबैट सीखने होण, अक्खर सीखने होण, तुहानूं 600 घंटे लगते हैं। तुहानूं याद होएगा जिहड़े बच्चे किंडरगार्टन विच गए, तुहाडे बच्चे 180 दिन स्कूल गए, 5 घंटे रोज़ गए, 900 घंटे लगे। तो उहदे विच उन्होंने 26 अक्षर पढ़ने सीखे, उन्हां दी आवाज़ां सीखियां, तो छोटे छोटे शब्द पढ़ने सीखे। नाउ साडे कोल असीं बच्चियां नूं 35 अक्षरी सिखानी है, 35 अक्षर दे विच 40 अक्षर ने, 35 अक्षरी दे विच, राइट? साडे कोल घंटे किन्ने ने? 1 साल दे विच 20 तो 25 घंटे है। नहीं मैजिक? जे कहिंदे ने कि तुसीं किसी बोली दे शब्द सीखने होण, शब्दां दे मतलब सीखने होण, तां कि तुसीं गल्लबात कर सको, तां तुहानूं 150 घंटे होर चाहीदे ने। उहदे वास्ते 750 घंटे टोटल तुहानूं लगणगे, साडे कोल फिर 25 घंटे होणगे, 1 साल होर होएगा। जे कहिंदे ने तुसीं वाक बनाउणे, वाक पढ़ने, वाक लिखने, वाक समझने होण, कि जदों आपां गल्लबात करदे हां, उहदे वास्ते तुहानूं कहिंदे 900 घंटे चाहीदे ने। साडे कोल टोटल 7 सालां दे विच तुहाडे बच्चियां दे नाल 210 घंटे होणगे, ठीक है? चौथा हिस्सा भी नहीं, पंजवां हिस्सा। इन्नी आपां नूं ज़्यादा मेहनत करनी पैनी है। तो जिहड़े 83 बच्चे ऐतकी ग्रैजुएट होए, इमेजिन करो उन्होंने किन्नियां मल्लां मारियां, कि तुसीं किन्नी मेहनत घर कीती होएगी, किन्नी मेहनत इत्थे टीचरां ने कीती होएगी, किन्नी मेहनत तुहाडे बच्चियां ने कीती होएगी, तां कि वह 1100 घंटे का काम 210 घंटे कर सके।
ते ए करन वास्ते साडे कोल बड़े सोहणे रिसोर्सिस ने, किताबां ने। असीं किताबां नूं 30 हफ्तियां दे लैसन दे विच वंडिया होया है, ते तां क्योंकि साडे कोल 30 हफ्ते दा ही टाइम हुंदा, 31वें हफ्ते साडे फाइनल एग्जाम हुंदे ने। साडे कोल गूगल साइट हैगी है, जे तुसीं ऑनलाइन सी ते यू नो गूगल साइट, जे नहीं सी ते तुहानूं सारी इनफॉर्मेशन मिल जाएगी उहदे ते। हर किताब दा, हर लैसन दा वीडियो लैसन तुहानूं मिल जाएगा। ते जे तुहाडे बच्चे किसे वेले नहीं आ सकदे, दे कैन वाच द वीडियो। जे उहनां नूं समझ नहीं आई, दे कैन वाच द वीडियो विद दैम। ठीक है, तो लैवल 1 ते 2 वास्ते उत्थे क्विज़ भी हैगियां, जिहड़ियां बच्चे कर सकते हैं, तो होर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो साढ़े को बड़े स्टार मैनू लभे अपने कोविड के टाइम, ज्योति, सबीना, अनीत, अरशिंदर जी, जिन्हें के वैबसाइट बनाई तो लैसन सारे वीडियो दे विच कन्वर्ट किया। सो तुहाडे बच्चियां नूं 7 तों 8 साल लगनगे। ठीक है, किन्ने पेरेंट्स चाहते हो तुहाडे बच्चे हाई स्कूल ग्रैजुएट अगर कॉलेज जाण? किन्ने पेरेंट्स चाहते हो? सारे नहीं चाहते, सारे चाहते हो, राइट? किन्ने बच्चे चाहोगे, किन्ने पेरेंट्स चाहोगे तुहाडे बच्चे 7-8 साल ला के खालसा स्कूल चा भी ग्रैजुएट हो के होर भी वड्डा माण प्राप्त करन, गुरु साहब के चरणी लग जाण, गुरु साहब के नाल जुड़ जाण? सारे पेरेंट्स के 2 हाथ खड़े होने चाहिए ने, राइट? सो इस करके सानू बच्चियां नू बड़ा मोटीवेट करना पैंदा है। साडे टीचर्स अमेजिंग ने, तुहाडे वर्गे ने, तुसी हो टीचर्स, सेवादार ने। उन्हां नू कोई पैसा नहीं मिलता, उन्हां नू कोई नहीं मिलता, इस तों वध के उन्हां नू प्यार मिलता है। इत्थों बहुत प्यार मिलता, तुहाडे कोलों मिलता, मेरे कोलों मिलता, बच्चियां कोलों मिलता। इंग्लिश पढ़ाउण दे लई बिलियनस डॉलर खर्च किए जाते हैं, बिलियनस रिसर्च करन वास्ते। ठीक है, साड़ी पंजाबी कौन रिसर्च करता है, पंजाबी बारे कौन रिसर्च करता है? कुछ भी नहीं। किताबां वेखो ते कोई खास किताबां भी नहीं चंगियां मिलदियां। जिवें सानू पता कि साडे बच्चे पंजाबी एज सैकेंड लैंग्वेज सीखते हैं, किसी भी टीचर ने, किसी भी स्टेट ने, पंजाब दे विच किसी भी मिनिस्टर ने यह नहीं सोचा कि साडे कई बच्चे बाहरलियां स्टेटां च बैठे ने जिन्हां दी पंजाबी मुख लैंग्वेज नहीं हैगी, मदर लैंग्वेज नहीं है, उन्होंने किवें पंजाबी पढ़ाई जाए? नोबड़ी थॉट अबाउट इट। सो जब मैं पंजाब इंग्लिश दे विच ESL दी MA की, तो मैंने ख्याल किया मैं कि साडे बच्चे पंजाबी एज ए सैकेंड लैंग्वेज सीखते हैं, जिन्हों पढ़ाने का तरीका बिल्कुल वक्रा होंदा है मदर टंग दे नालों। सो असी बड़े ब्लैस्ड हाँ, इस करके साडे कोल रिसोर्सिज बड़े सोहने ने, साडे कोल टीचर्स बड़े प्यारे ने, ते यही कारण है कि असी 83 बच्चियां नूं इस साल असी ग्रैजुएट कर सके। साडियां किताबां सतरंगी पिंक दे कलर दियां ने, बच्चे लाल रंग तो लैके चिट्टे रंग तक पहुँचते हैं 8 सालों के विच। गुरमति किताब ते पंजाबी किताब हुंदी है उन्हां दे कोल, ते टीचर्स बड़े हार्डवर्क करते हैं। प्लीज़ जो तुसी उन्हां नूं मिलो, उन्हां दा शुकराना करो, उन्हां नूं प्यार दो, ते उन्हां दा धन्नवाद करो तुसी जरूर, के तुसी साडे बच्चियां नूं इस चंगे पासे ला रहे हो। ते जो भी तुसी तुहाडे च कोई भी सेवा करे, जी आयां नूं तुसी मेरे नाल गल करो, मैं तुहानूं घंटे 2 दे विच टीचर बना दांगी, अमेजिंग टीचर बना दांगी ट्रेनिंग करके। सो मेक श्योर यू कॉन्टैक्ट मी। तुसी घर की कर सकते हो? जब तक तुसी स्कूल दे विच हैल्प करोगे दैट्स ऑसम, पर तुसी 7 दिनों 6 दिन तो तुसी बच्चे नाल घर बिताने ने, की करोगे? साडे कोल तां स्कूल दा बड़ा टाइम लिमिटेड होंदा, राइट? सिर्फ 30 हफ्ते होणगे साडे कोल, 30 एतवार होणगे। सो सब तो वड्डी गल पहले भी कही है गुरिंदर जी ने कि पंक्चुअलिटी बड़ी जरूरी है। जे तुहाडे बच्चे दा रेगुलर स्कूल 8:25 ते शुरू होंदा, तो तुसी बच्चे नूं किन्ने टाइम ते स्कूल पहुँचाते हो? 8:20 ते, 8:22 ते, 24 ते, 8:26 ते नहीं पहुँचाते, राइट? सो जे साडा स्कूल 1 बजे शुरू हुंदा है, तो तुसी किन्ने बजे बच्चियां नूं लैके आओगे? 1 बजे घरों नहीं चलना, 1 बजे घरों चलन का टाइम नहीं है, 1 बजे इत्थे पहुँचन का टाइम हैगा। जिहड़ी असैंबली है, कई पेरेंट्स सोचते हैं भी असैंबली का की जरूरत है, बच्चे कहते असैंबली इज़ बोरिंग। असैंबली दे विच बच्चे सिख ही सीखते हैं, बच्चियां नूं संगती रूप विच बहना आंदा है, नाम सिमरन सीख जाते हैं, सुन सुन के पौड़ियाँ पाठ सीख जाते हैं, 5 पौड़ियाँ 10 गुरुआं दे नाम सीख जाते हैं। सो बड़ी सिक्ख्या उन्हां नूं इत्थे मिलती है। ठीक है, सो प्लीज़ मेरी तुहानूं रिक्वेस्ट है कि तुसी बच्चियां नूं 1 बजे स्कूल दे विच पहुँचा देना। गुरबाणी लाइना जिवें मैं कहा, 1 लाइन तुसी घर दे विच याद करा सको, तो दैट विल बी अमेजिंग। तुहाडे बच्चे नूं 1 साल दे विच जपजी साहब याद आ जाएगा, तो उन्हां दी किताबां तुसी जरूर देखनी है, कि जे काम नहीं खत्म होया स्कूल दे विच ते तुसी उन्हां नूं घर करवा देना। ठीक है, बच्चियां नूं पुछो मैनूं 3 चीज़ां दस अज तू की सीख के आया,
कि सीखे केड़े तीन शब्द तू सीखे अज क्लास दे विच टीचर ने की दस्या सी जरूर तुसी उन्हां नूं पुछो जिवें रेगुलर स्कूल बारे गलबात करदे हो पंजाबी स्कूल वाले भी कर जरूर करो तुहाडियां किताबां दे विच तीन चार दिन का होमवर्क लिखा होया मेक श्योर के वह होमवर्क बच्चे बैठ के करन पेसिंग गाइड दे विच ए भी लिखिया कि शब्दों का टैसट होएगा सो इमेजिन करो तुहाडे बच्चे वह 10 शब्द पढ़ के सीख के आन ते उन्हां नूं हर वारी ए मिले हर वारी 100% उन्हां दे पॉइंट आन किन्नी तुहानूं खुशी होएगी किन्ना उन्हां नूं खुशी होएगी किन्ना सानूं उन्हां ते माण होएगा ठीक है ते जिहड़ा भी पाठ बच्चे सीखते ने तुसी आप भावें करते हो कि नहीं करते ओनू असी चेंज नहीं कर सकते मैं तो जरूर रिक्वेस्ट करांगी बच्चे ने जरूर तुसी 5-10 मिनट बिठाओ कि बैठ के जो तुसी पाठ सीखे वो मैनू तुसी करके सुनाओ ठीक है 7 मिनट मैजिक इट रियली वर्क्स मैं बड़े पेरेंट्स ने पूछिए मैं उन्होंने कई बार पूछती हाँ तुम किमें अपने बच्चे इन्ना प्यारा बनाया तुम किमें उन्होंने इन्ना कुछ सिखाया वो कहें असी गल मनी 7 मिनट मैजिक 7 मिनट्स तुम की कर सकते हो एंड ट्राई करके देखना ठीक है 7 मिनट का टाइमर अपने फोन पर ला लेना सिर्फ 7 मिनट का उन्होंने तुम कहना कोई पेज खोल लो कोई भी पेज किताब चो खोलो उन्होंने 1 मिनट पढ़ना है बस 1.5 मिनट नहीं 2 नहीं 3 नहीं 1 मिनट सिर्फ उन्होंने पढ़ना है उन्होंने देखना गिनो किन्ने शब्द तुम पढ़े ठीक है डेली लॉग तुम रखो इस दिन बच्चे ने एक मिनट के 12 शब्द पढ़े 15 पढ़े 17 पढ़े जिन्हें भी पढ़े तो देखना तो उन्हों की ग्रोथ किन्नी होएगी फिर की कर सकते हैं उन्हें 7 मिनटों के 5-10 शब्द किसी भी पेज तो वह कॉपी कर सकते हैं ये की होएगा बच्चों लिखत की प्रैक्टिस हो जाएगी जो बच्चे लिखणगे तो पढ़नगे भी जो पढ़नगे तो बोलणगे भी सो ये सारा कुछ उन्होंने प्रैक्टिस करा दोगे जोड़े व्डे बच्चे उन्होंने कह सकते हो 2 या 3 वाक तुम कॉपी करने ने ठीक है एंड दैन हैव दैम रीड दोस तो एक लाइन जपजी साहब तुम उन्होंने कंठ करा देनी है एंड यू कैन डू ऑल ऑफ दीज इन 7 मिनट्स ट्राई करके देखना किन्ने को तुसी ट्राई करोगे प्लीज थैंक यू सो मच ट्राई करना जे ना काम चला तो ना लगे भी तो टाइम खराब हो गया 7 मिनट खराब हो गए मेरी जिंदगी दे ते अगली बारी ना करना बेशक पर कोशिश कर लेना हफ्ता करके गुरबाणी सानू यू नो शोज वेज ऑफ लाइफ जिवें हुणे बॉय स्काउट्स भी कह के गए हैं कि सिखी साडा वे ऑफ लाइफ हैगा ते सानू सिखी कित्थों मिलती है गुरु के शब्दों तो गुरु की बाणी के विचों तुसीं किवें याद करवा सकते हो मैं तुहानूं बहुत सौखा तरीका दसदी हां जिहड़े टीचर्स मेरे बैठे ने उन्होंने तो कई बार सुनिया होया तुसीं बच्चे नूं एक एक शब्द पढ़ना सिखाओ बोलना सिखाओगे फिर 2-2 शब्द फिर 3 शब्द फिर पूरी लाइन जिमें मैं सुन सिखाना बच्चों सुनिया सिद्ध पीर सुनाथ सो मैं कब कहांगी अच्छा आप एक नवी लाइन सीखांगे अज तुसी मेरे पिछे पिछे बोलो ठीक है सुनिया सिद्ध पीर सुर नाथ तो उन्होंने मैं एक एक शब्द क्लीयरली बोल के सुनाता एक बार फिर सुना दाँगी फिर मैं कहूँगी हम आप 2 शब्द बोलते हैं सुनिया सिद्ध बच्चे मेरे पीछे बोलणगे पीर सुरनाथ ठीक है फिर मैं कहूँगी हम आप 3 शब्द बोलेंगे सुनिया सिद्ध पीर सुरनाथ 2-3 बारी इस तरह बोल के फिर कहूँगी हम आप पूरी लाइन बोलते हैं सुनिया सिद्ध पीर सुरनाथ सुनिया सिद्ध पीर सुरनाथ सुनिया सिद्ध पीर सुरनाथ मोस्ट लाइकली बच्चे 3-4 बारी च बोलन लग जाएंगे जिमें ही बोलना शुरू करेंगे पूरी लाइन तुसी कहो हुण यह लाइन 10 बारी बोलो तो जिहड़ी 1 लाइन याद करनगे उन्हां नूं तुसी एक स्टार दे दिओ स्टिकर दे दिओ जे बहुत जनरस एक क्वार्टर दे दो जे बहुत ही ज़्यादा जनरस एक डॉलर दे दो राइट कामन जे 370 लाइना ने $370 तो कमा भी लैणगे जपजी साहब याद करके इट्स वर्थ इट सारी उम्र की उन्होंने दात मिल जाएगी राइट तो उत्तों $100 असी दे देंगे उन्होंने सो $470 हो गए ठीक है सो मेक श्योर तुम उन्होंने एनकरेज करो कि गुरबाणी असी याद करनी है जे तुहानू कंठ नहीं है तो तुम भी जरूर कर लेना मेरी माँ कहती हुंदी सी बाणी कंठ तो पैसा गंठ जिहड़ा तुहाडे कोल पैसा हाथ च है वह कम आएगा ते जड़ी बाणी तुहानू याद है किधरे भी तुसी पढ़ सकते हो ठीक है खालसा स्कूल दे विच असीं तुहाडे बच्चों नू की दिंदे आ उन्होंने चंगी संगत दिंदे आ उन्होंने चंगे जीवन का राह दिंदे आ उन्होंने अंदर स्ट्रेंथ मिलती है ता कि वह स्टैंड अप कर सकन अपने आप नू देख के कि हाँ मैं सिख हाँ मैं कौन हाँ ठीक है तो असीं बच्चों अपनी सिख आइडेंटिटी प्यार करना सिखाने तो कल की संगत
इत्थे तैयार हो रही है इस स्कूल दे विचों। सो इन्हां शब्दां नाल आप जी दा बहुत बहुत धन्यवाद। कदी किसे नूं कोई मुश्किल होवे, कोई प्रॉब्लम होवे क्लास दे विच बच्चे नाल, आई एम ऑलवेज देयर, आई एम ऑलवेज हीयर, लेट मी नो इफ आई कैन हेल्प इन एनी वे। थैंक यू जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। थैंक यू पुष्पेंद्र जी, उन्होंने भी तुहानूं एक तरह का सच्चा सौदा करना सिखाया है कि 370 डाले विच तुसीं बच्चों नूं जपजी साहब सिखा सकते हो। तो मैं हुण बेनती करांगा हरप्रीत कौर जी नूं कि वह आकर तुहानूं दसन साडे बालवाड़ी ते किंडर प्रोग्राम बारे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह सारिआं नूं, जी आयां नूं। मैं तुहाडे नाल अज खालसा स्कूल दे दो प्राइमरी लैवल दे प्रोग्राम बालवाड़ी और किंडर इन्हां बारे कुछ विचार और कुछ चीज़ां शेयर करांगी। सो सब तो पहला असी मोटे मोटे जो फर्क ने इन्हां दोनों प्रोग्रामों विच वो समझ लईए। एज रिक्वायरमेंट, सब तो पहला बालवाड़ी विच असी जिहड़े बच्चे लैंदे आ वो घट तो घट 3.5 साल दे होणगे, ते किंडर वास्ते 4.5 साल दी उम्र दी असी एज रिक्वायरमेंट रखी हुई है। मूविंग ऑन, एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस जिहड़ा दोनों क्लासां विच हैगा है वो ये है कि बालवाड़ी इज़ अ पेरेंट पार्टिसिपेशन क्लास। पेरेंट्स, एक पेरेंट दा बच्चे दे नाल क्लास विच होना जरूरी है, मस्ट है। और किंडर विच दिस इज़ डिसाइडेड ऑन नीड बेसिस ओनली। जे तुहानू लगता है कि तुहाडा बच्चा तैयार नहीं है या कंफर्टेबल नहीं है कल्ला बैठन कल्ले बैठन लई, तो असी पेरेंट्स नू अलाउ करदे आ बैठना। पर नॉर्मली असी देखिया कि 3-4 क्लासां तो बाद पेरेंट नू बैठन दी लोड़ नहीं पैंदी क्योंकि बच्चे कंफर्टेबल हो जांदे आ अपनी रूटीन नाल, अपने टीचर नाल ते अपने ग्रुप नाल। मूविंग फॉरवर्ड, क्लास दी जो समा है, जो ड्यूरेशन है क्लास दी, बालवाड़ी दी क्लास 1 घंटा 15 मिनट दी हुंदी है ते किंडर दी 1 घंटा 25 मिनट। तुसी देखोगे कि यह जड़ी क्लास है ये बाकी स्कूल दियाँ क्लासेस नालों 15 और 10 मिनट पहला ख़त्म हो जांदियां ने। वो इस करके कि जल्दी मुक्कण नाल बच्चियां नू स्नैक लई वारी पहला आ जाती है, तो इन्हां छोटे बच्चियां नू बाकी स्कूल दे बच्चियां नाल स्नैक लई लाइन विच वेट नहीं करना पैंदा। ठीक है जी। तो लास्टली लोकेशन, जिहड़ी बालवाड़ी दी क्लास है वो साउथ हॉल विच इधर स्नैक हॉल दे नाल वाले हॉल विच हुंदी है, ते किंडर दी क्लास दर्शनी द्योड़ी जो तुसी आंदे हो उत्थों पौड़ियाँ उपर जांदियां ने सिख गैलरी नू 2nd फ्लोर ते उत्थे हुंदी है किंडर दी क्लास। चलो आओ आपां देखिए हुण साडा मकसद, साडा परपस की है इन्हां दो क्लासां नाल, असी की अचीव करना चाहते हैं। फ्रॉम वेरी अर्ली ऑन इन देयर लाइव्स वी वॉन्ट दीज किड्स टू कल्टिवेट लव एंड रिस्पैक्ट फॉर वाहिगुरूज क्रिएशंस। When I say Vaheguru's creations, it's not just humanity, not just us each other, but also love and respect for Kudrat. ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ। ਵੀ ਟੀਚ ਦੈਮ, ਕਿਡਸ ਲਰਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਆਫ ਸਿੱਖੀ ਇਨ ਅ ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ ਐਂਡ ਫਨ ਮੈਨਰ। ਦੇ ਲਰਨ ਗੁਰਮੁਖੀ ਟੂ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਰੀਡ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਆਖਿਰ ਅਸੀਂ ਸੇਧ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਗੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਇੰਸਟਿਲ ਜੋਏ ਆਫ ਲਰਨਿੰਗ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਬੋਝ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬੱਚੇ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਣ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ। ਵੀ ਵਾਂਟ ਦੀਸ ਕਿਡਸ ਟੂ ਫੀਲ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਫ ਹੂ ਦੇ ਆਰ ਐਂਡ ਵਾਟ ਦੇ ਰਿਪ੍ਰਜੈਂਟ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਸਿੱਖੀ। And we want to make their Khalsa school experience a memorable one. Taaki tuhade bacche jado Sunday nu svere uthan, they should look forward to coming to Khalsa school and come join their classes. And lastly on this slide, our motto is where your true Sikhi spirit, fun and learning will follow, they will happen. Moving on, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਸ ਬਦਲਾਵ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹ ਦੋ ਕਲਾਸਾਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ, ਉਹ ਲੈਟ ਮੀ ਕਵਰ ਦੈਟ ਇਨ ਯੂ ਨੋ ਇਨ ਅ ਸਮਾਲ ਸਮਰੀ। ਸੋ ਬਾਲਵਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਦੀ, ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਉਹ ਬੱਚੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਔਨ ਦੀ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਕਿੰਡਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਤਾਂ ਕਲਾਸ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ
असैम्बली हॉल तो क्लास तक आना और क्लास तो स्नैक रूम तक जाना दे आर एबल टू डू इट हाउ बिकॉज दे गैट सो कंफर्टेबल एंड सेटल्ड इन द एनवायरमेंट एंड रूटीन ऑफ स्कूल दैट इट जस्ट स्टार्ट्स कमिंग नेचुरली टू दैम सो दैट्स वन एंड मूविंग बैक टू बालवाड़ी These kids are younger, so they start following one-step instructions easily in the class, whereas kinder kids, they start following more complex instructions, and they are mostly on their own. Other than that, knowing their supplies, Balwadi de bache, by the end of the year, they know na da saman ki hai, ki unna nu chahida hai, te kidda use karna hai. And on the other hand, kinder de bache, ਉਹ ਇਹ ਸਮਾਨ ਤਾਂ ਵਰਤਦੇ ਹੀ ਨੇ ਬਲਕਿ ਉਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਹੋਮਵਰਕ ਦੀਆਂ ਸ਼ੀਟਾਂ ਕਲਾਸ ਵਰਕ ਦੀਆਂ ਸ਼ੀਟਾਂ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬਾਕੀ ਸਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬੈਗ ਖੁਦ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੋ ਦੈਟ ਕ੍ਰੀਏਟਸ ਰਿਸਪੋਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਸਟਾਰਟ ਬਿਕਮਿੰਗ ਮੋਰ ਰਿਸਪੋਂਸਿਬਲ ਦੈਟ ਹੈਲਪਸ ਦੈਮ ਇਨ ਦੇਅਰ ਫਿਊਚਰ ਲੈਵਲਸ ਅਦਰ ਦੈਨ ਦੈਟ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਬਾਲਵਾੜੀ ਕਿਡਸ ਦੇ ਸਟਾਰਟ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟਿੰਗ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਵਰਡਸ ਵਿਦ ਦੇਅਰ ਟੀਚਰਸ ਇਨਸਟੈਡ ਆਫ ਪੁਲਿੰਗ ਦੇਅਰ ਮੋਮਸ ਦੁਪੱਟਾ ਔਰ ਹਾਈਡਿੰਗ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦੇਅਰ ਫਾਦਰਸ And on the other hand, kinder kids, they independently interact with their teachers and peers, which is very important to have when they move to level one. So overall, you will see bahut sara overlap hai concepts which jo balwadi aur kinder vich padhai jande ne. E jo overlap hai, that helps lay a solid foundation and for this foundation for success in future levels. ਜਿਹੜੀ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਨਸੈਪਟਸ ਦੀ ਦੈਟ ਮੇਕਸ ਦੀਸ ਕਿਡਸ ਕੋਨਫੀਡੈਂਟ ਐਂਡ ਦੈਨ ਦੇ ਆਰ ਰੈਡੀ ਟੂ ਯੂ ਨੋ ਫੋਰ ਦੇਅਰ ਓਵਰਆਲ ਦੈਟ ਕ੍ਰੀਏਟਸ ਓਵਰਆਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਰੈਡੀਨੈਸ ਫੋਰ ਫਿਊਚਰ ਲੈਵਲਸ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਲੈਵਲ ਵਨ ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸ਼ੇਅਰ ਫਿਊ ਪਿਕਚਰਸ ਫਰੋਮ ਆਵਰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਦੈਟ ਵੀ ਹੈਵ ਅਰਲੀਅਰ ਡਨ ਇਨ ਦੀਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਇਸ ਪਿਕਚਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਐਂਡ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਪਿਕਚਰ ਆਫ ਕਰਾਫਟ ਦੈਟ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਫੋਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੈਨ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਪਿਕਚਰ ਆਫ ਦੇਅਰ ਵਰਕ ਦ ਕਾਇੰਡ ਆਫ ਐਫਰਟ ਦੇ ਪੁੱਟ ਇਨ ਟੂ ਦੇਅਰ ਵਰਕ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਚੋਲਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਪਿਕਚਰ ਫਰੋਮ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਫਿਊ ਮੋਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਚਿਲਡਰਨ ਲਵ ਟੂ ਪਰਫੋਰਮ And these are Balwadi children. They are reciting Shabad in the hall during assembly time. And there's another one, child sharing their tal, shield, craft, jo unhone banaya. Few more pictures of kids having fun and creating their crafts. And this is again, diwe banaye bachiyan ne Balwadi de, kinder de class which jadon assi online learning vich sige. So we didn't stop. Assi online learning, we continued having same level of fun. So lastly, I want to close with this statement that jida asi ehe platform hai Khalsa School da, there are three pillars. That's how I look at it. Bacche, parents, or teacher. Bacche, yes, they cannot stand by themselves. The strength that they will get is from parents and teacher. And I always request parents to establish routine. establish routine that is very important panji ne hune kiya hai ki 7 minute roz padhao bahut zaruri hai 5 minute to shuru kar lo but bachiyan naal zarur baitho 5 minute jo concepts tusi class vich sikhe ne oh concepts review karo ghar jaake eh nahi hona chahida ki schoolon sikhe te ghar jaake bhul gaye well we want to make sure kids retain this knowledge and they will only retain this knowledge if there is repetition and if there is a routine for anything that we do in life so this is very important my humble request to parents jinna de ghar vich ya friends de circle vich 3.5 saal di umar to 4.5 saal de bacche hege ne ਜ਼ਰੂਰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਓ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਲਈ ਯੂ ਹੈਵ ਐਨੀ ਕੰਸਰਨਸ ਵੀ ਆਰ ਹੀਅਰ ਆਈ ਵੁੱਡ ਆਲਸੋ ਬੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆਊਟਸਾਈਡ ਸਨੈਕ ਰੂਮ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਅਸੈਂਬਲੀ ਇਨ ਆਰਡਰ ਟੂ ਆਨਸਰ ਐਨੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਔਰ ਕੰਸਰਨਸ ਯੂ ਮੇ ਹੈਵ ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲ ਆਈ ਹੈਡ ਟੂ ਸ਼ੇਅਰ ਵਿਦ ਯੂ ਟੂਡੇ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਥੈਂਕ ਯੂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਅ ਵੰਡਰਫੁਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਸਰਦਾਰ ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਰੈਸਟਲੈਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇ ਬੀ ਵੀ ਟੇਕ 1 ਮਿੰਟ ਬ੍ਰੇਕ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਓ
पर अपने हाथ जोड़ के महाराज वाल रखो, थोड़ा जा स्ट्रेच कर लवो, महाराज वाल पिठ नहीं करनी, हाथ जोड़ के सारे जने थोड़ा जा स्ट्रेच करके ते फिर आप सारे जने फतेह बुला के बैठ जावांगे। थैंक यू जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आओ जी प्यारे बच्चों, पेरेंट्स प्लीज बैठ जाओ, सारे बैठ जाओ। द नेक्स्ट टॉक इज गोइंग टू स्टार्ट। प्यारे बच्चों, पेरेंट्स अते सेवादार भैनों अते वीरो, फतेह प्रवान करना जी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बच्चों तुसी सारे कीर्तन सुनना बड़ा पसंद करते हो, साडे इत्थे भाई साहब आए हुए सन पिछले तीन चार दिनों तो, भाई हरजिंदर सिंह जी, बहुत सारे बच्चे इत्थे पहुँच के उन्होंने कीर्तन सुनिया उन्होंने, तो असी कीर्तन सीखण दा मौका बच्चों नू अपने खालसा स्कूल भी देने आ, इत्थे क्लासां लगदियां हन। दरअसल जो साडे खालसा स्कूल दा मिशन है कि बच्चों नू गुरबाणी दे नाल अते गुरु चरणा दे नाल जोड़ना। When the child comes to school in kirtan program, the child has two options. They can start harmonium class or tabla class. So harmonium class, in the initial stages they learn on harmonium kirtan, and then after a couple of years, when they after 3 or 4 years they can start playing on the string instruments, jis tarah sade tanti saz hege ne, rabab, dilruba and many other string instruments, jede ke sikh heritage instruments hege han, jede guru sahib de time te jisle kirtaniye kirtan karde san, unna sazan nu vaja ke kirtan karde san. Assi sare jande han ke Guru Nanak Dev ji jisle udasiyan te gaye, उन्होंने परमिट किया, फॉर 20 ईयर्स ही ट्रैवल्ड, तो उन्होंने नाल भाई मरदाना जी सन, और मरदाना जी के कोल जिहड़ा साज सीगा वो रबाब सीगा। सो गुरु जी गुरबाणी गाते सन तो मरदाना जी रबाब प्ले करते सन। सो उन्हां साजां नूं भी सीखण दी बच्चों नूं अपॉर्चुनिटी मिलती हैगी है इत्थे साडे स्कूल दे विच। नैक्सट जे किसी भी प्रोग्राम ने सक्सैसफुल होना है तो उदे लई एक उदा स्ट्रक्चर होना बड़ा जरूरी है। इदे नाल देर आर दिस इज़ अ वे टू कम्युनिकेशन बिटवीन द टीचर एंड स्टूडेंट्स, पेरेंट्स एंड मैनेजमेंट, एंड डिवेलप काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कि बच्चे नूं इह पता हुंदा है कि मैं अज की सीखना है, टीचर नूं पता हुंदा मैं की सिखाना है, बच्चों को की एक्सपैक्टेशन है, तो मैनेजमेंट नूं इह हुंदा है कि हाउ टू इवेलुएट द प्रोग्रेस दैट इज़ हैपनिंग इन द क्लासेस। करिकुलम और बुक्स असी इदा इंटैग्रेट किए हुए हैं कि जिहड़ियां बुक्स हैगियां हैं वह गाइड कर दियां हैगियां टीचर नूं टू गो थ्रू, हर लैवल लई एक वक्री बुक हैगी है, तो उन्होंने पता होंदा है टीचर नूं किस तरह केड़ा लैसन अज होना हैगा, केड़ा नैक्सट वीक होना हैगा, सो दैट्स हाउ दे फॉलो थ्रू। एंड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, द चाइल्ड हैज़ टू लर्न थिंग्स टू प्रमोट टू द नैक्सट लैवल। सो वी हैव मिड टर्म्स एंड फाइनल्स, so they are, they know what is expected out of them and they have to pass that to promote to the next class. Now jis tarah main dass reha si ki sade books hagiyan for each level, elementary levels di kirtan books hagiyan te gurmukh sangeet di books hagiyan, we have 4 of gurmukh sangeet books and 3 of tabla books. Bahut khushi di gal eh hagi hai ki eh kitab sade apne teachers jo itthe padhande han उन्हां दियां लिखियां हुई हैं। जिस तरह एलीमेंट्री लैवल दियां दो किताबां हैगियां,
भाई साहिब मनमोहन सिंह होरां दीआं लिखियां होईआं हन जो कि साडे एलीमेंट्री क्लास दे इंचार्ज हैगे हन एंड ही हैपन्स टू बी द फर्स्ट टीचर ऑफ खालसा स्कूल कीर्तन प्रोग्राम. सब नाल पहले जिसले स्कूल खुलिया सीगा 1989 दे विच तां तों साडे नाल हैगे हन तो हुण वी बच्चां नूं कीर्तन सिखा रहे हन. तो गुरमत संगीत दीआं जिहड़ी किताबां हैगीआं प्रोफेसर दलबीर सिंह उन्हां दीआं डिजाइन कीतीआं होईआं बड़े ही अकॉम्पलिश्ड रागी हैगन आप और बहुत ही पहले गुरमत संगीत की विद्या कॉलेजेस दे विच पढ़ाते रहे हैं तो हुण साडा चंगे फॉर्चून हैगन कि साडे विच ओह इत्थे बे एरिया दे विच अवेलेबल हैगन तो सानू बच्चों कीर्तन सिखाने लई ओह साडे इत्थे पहुँचते हैं तो कीर्तन दी क्लासां लाते हैं. इस तरह तबले दे जिहड़े किताबां हैगियां उह साडे जिहड़े तबले दे प्रोग्राम दे इंचार्ज बाबा जी से कहने उन्होंने सुरजीत सिंह जी बाबा वो उन्होंने लिखिया हुई किताबा हैं. हूँ कि बच्चा एक बच्चे नू ग्रेजुएट करने कि समा लग जाता है कीर्तन के प्रोग्राम के जिस तरह मैं तीन पार्ट्स दसे हैं एलीमेंट्री इंटरमीडिएट एंड एडवांस. सो एलीमेंट्री लैवल के दो किताबा हैं साड़िया तो दो किताबों करने दो साल का समा लगता हैगा ते जिदे विच बच्चे नू बेसिक्स ऑफ द कीर्तन दसे जाते हैं हाउ टू पोजिशन द फिंगर्स टू स्टार्ट करके थाट्स सुर ताल का ज्ञान ते साधारण ट्यून्स दे उत्ते शब्द पढ़ने मूल मंत्र का कीर्तन करना वाहेगुरु नाम सिमरन करना टू स्टार्ट विद दैट एंड सो बाय द एंड ऑफ टू ईयर्स दे कैन प्ले दे कैन सिंग शब्द्स ऑन सिंपल सरगम्स. फ्रॉम दैन ऑनवर्ड्स वो बाद इंटरमीडिएट लैवल तो फिर बच्चों गुरमत संगीत जो गुरु ग्रंथ साहब जी के राग हैगे हैं उन्होंने रागों के आधारित कीर्तन सिखाना शुरू हो जाता है. आप जी पता है कि गुरु ग्रंथ साहब की सारी बाणी एक्सैप्ट जपजी साहब सारी बाणी रागों के आधारित गुरु साहब ने गुरु अर्जन देव जी महाराज ने जिस गुरु ग्रंथ साहब जी की भीड़ लिखी तो रागों के हिसाब न ऑर्गेनाइज करके लिखी. तो सानू एक किस्म का मैसेज हैगा सारियां नू कि असी बच्चियां नू कीर्तन रागों के विच सिखाइए. सो उस चैलेंज नू असी खालसा स्कूल ने अपने ते लिया तो पिछले आई वुड से काफ़ी 10 तो ज़्यादा साल हो गए हैं पर पिछले 5-7 सालों तो ज़्यादा फोकस है साड़ा कि बच्चे रागों की कीर्तन करन और जो रागों के स्टैंडर्ड्स है जो पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला ने अडॉप्ट किए हैं उन आधारित बच्चे कीर्तन सीखन कीर्तन के जिस तरह अलाप लेना या शुरुआत दे विच मंगलाचरण गाना. सो यह सारिया चीज़ा बच्चों इस चीज़ नाल अवेयर कराया जाता है उन्होंने सिखाया जाता है और बच्चे स्टेज पर आके कीर्तन करते भी हैं. नाउ अबाउट द तबला प्रोग्राम इट टेक्स ऑलमोस्ट द सेम टाइम एलीमेंट्री लेवल अबाउट 2 ईयर्स. एक्चुअली दीज 2 ईयर्स आर द मोस्ट डिफिकल्ट ईयर्स ऑफ अ चाइल्ड लर्निंग तबला बिकॉज बच्चे का इंट्रस्ट डिवेलप होंदे हैं थोड़ा जा समा लगता है जिदे च सानू सारिया नू पेशेंस की लोड़ है पेरेंट्स नू टीचर्स नू क्योंकि बच्चियां जिसले वैन दे पुट दे स्ट्राइक द तबला उन्हां दे फिंगर्स सो स्मॉल कि द साउंड डजंट कम आउट ऑफ इट एंड सो दे काइंड ऑफ गेट डिस्करेज कि भी कोई आवाज़ नहीं आ रही एज अपोज टू हारमोनियम यू पुट ए फिंगर एंड यू हीयर समथिंग बैक राइट. सो वो बच्चों के जड़ा सी वो डिफिकल्ट टाइम साल दो साल का बच्चा ना लग के जे वो इंटरेस्ट उन्होंने बनया रहे सो दे कैन कंटिन्यू ऑन एंड दैन आफ्टर दैट इट इज़ ओनली प्रैक्टिस एंड दे स्टार्ट यू नो डूइंग एंड दे लर्न मोर एंड मोर थिंग. सो दिस इज़ अ वेरी इंट्रस्टिंग प्रोग्राम असी बच्चों के इंट्रस्ट डिवेलप कंटिन्यू रखने लिए महीने दे विच एक सैटरडे बच्चों का सिर्फ तबले का प्रोग्राम रखते हैं सिर्फ क्योंकि
तबला थोड़ा डिफिकल्ट होने करके कि बच्चों का इंटरस्ट बनया रहे ते सैटरडे इतने स्टेज पर ला के बच्चे एक जो भी ताल जो भी बोल सीखे हैं उन्होंने बड़ा उन्होंने जोश हों कि भी असं स्टेज पर जावे तो पेरेंट्स आके इतने फोटो लेंदे हैं तो बच्चों का उत्साह बनया रहा है. सो दिस इज समथिंग दैट वी रीसेंटली इंट्रोड्यूस एक्चुअली वी डिड ड्यूरिंग द पेंडेमिक वी आर होल्डिंग क्लासेज ऑन जूम एंड सो बच्चे एक दूजे ना कोरैक्ट नहीं करते सन ते पर फिर इस प्रोग्राम नू असी शुरू किया कि बच्चे इत्थे आके स्टेज ते आके अपने बजान ते उन्हां नू बड़ा शौक जिहा पैदा हुंदा हैगा. एक होर जिहड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट जिहड़ा मैं दसना चाहना बच्चों का वो हैगा है कीर्तन इन संगत. साडा गोल हुंदा है खालसा स्कूल का कि बच्चे वारी वारी करके स्टेज पर आके जो उन्होंने सीखा स्कूल पर आके स्कूल दे विच इत्थे आके वजान संगत दे विच सुना. दिस इज़ अ यूनीक एक्सपीरियंस और बच्चे टीम दे विच इकट्ठे मिल के कीर्तन करना सीखते हैं. नाल तबले वाले प्ले करता है तबला तबले की ताल दे विच रहना सुर सारे दे बच्चों की दो तो ज़्यादा हारमोनियम होंगे सारे दी सुरां मिलनियाँ. सो इट्स अ वेरी इंट्रस्टिंग पार्ट बच्चे बहुत ही इंजॉय करते हैं. सो इट्स अ वेरी की पार्ट ऑफ आई वुड से लर्निंग के संगत करनी इतने संगत च आके कीर्तन करना तो इहदा एक्सपीरियंस फिर असं गुरपुरब भी मनाने उते विच बच्चे करते हैं कीर्तन दरबार इतने दीवान च आके. सो पिछे असी राग दरबार किया सीगा ते उहदे च मशहूर वर्ल्ड दे सारे इंडिया तो मशहूर रागी जत्थे इत्थे पहुँचे सन ते खुशी दे गल कि साडे खालसा स्कूल दे बच्चों ने भी उहदे च हिस्सा पाया सीगा जिहड़े सीनियर बच्चे हैगे न उन्होंने तंती साजा दे नाल गुरमत संगीत दे आधार ते जो कीर्तन सीखिया वो उन्होंने इत्थे आके सब नाल साझा किया. सो इट इज़ अ वेरी वेरी इंट्रस्टिंग प्रोग्राम बच्चों नूं जे इंजॉय करन लग पैन फिर उन्होंने दिल नहीं करता छड्डन नूं. पर इस नूं आप जी का बड़ा वड्डा रोल होएगा इहदे विच कि बच्चों नूं दे नाल उन्हां नूं रियाज़ कराना प्रैक्टिस करानी घर दे विच बड़ी इंपॉर्टेंट हैगी है. तकरीबन हर रोज़ टीचर एक्सपैक्ट करता है कि बच्चा हर रोज़ 10 मिनट जरूर प्रैक्टिस करे. भैन जी ने 7 मिनट कहे सन फिर 5 मिनट होर ऐड होए हुण मैं 10 मिनट कर रहा. सो अबाउट हाफ एन आवर द बच्चों का यह खालसा स्कूल का प्रोग्राम जिहड़े कीर्तन सीखते हैं ते पंजाबी भी सीखते हैं. सारे बच्चे कीर्तन नहीं सीखते बाय द वे कुछ 1/3 ऑफ द स्कूल दे एडमिट इन टू कीर्तन प्रोग्राम आलसो. 600 बच्चे है तो 200 के करीब बच्चा कीर्तन सीखता है. सो प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज़ वेयर द पेरेंट्स रिस्पोंसिबिलिटी इज़. जे तुहाडे घर अज कोई हारमोनीयम की आवाज़ नहीं सुनाई पै रही या तबले की आवाज़ नहीं तो यू मस्ट थिंक दैट समथिंग इज़ नॉट राइट. बच्चे नूं गल करो कि अज होमवर्क नहीं क्यों नहीं किया क्योंकि टीचर एक्सपैक्ट्स ते एवरी डे दे टू प्रैक्टिस. साढ़े कोल कोई 15 के करीब टीचिंग स्टाफ हैगा. आई विल नॉट गो टू डिटेल्स ऑफ दैट. क्लास का टाइम हैगा 3.5 to 5 मिनिमम एज हैगी 7 ईयर्स ते जे बड़े सीनियर हो जाते हैं तो सैकेंड क्लास भी उन्होंने लगती है 5 to 6 स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स की एंड ट्यूशन फी का स्ट्रक्चर हैगा. तो एंड दे विच मैं आप जी नूं सिर्फ अपना जोड़ा एक नवा प्रोग्राम खालसा स्कूल ने ऐड किया हैगा सिख हैरीटेज सिंफनी. इहदा मकसद हैगा कि वी नो दैट म्यूजिक डजंट हैव बैरियर्स राइट. वी कैन विद दैट वी नीड लैंग्वेज टू स्पीक टू अदर पर्सन बट विद म्यूजिक इट सिंक्स इन विद एवरीबॉडी. सो उसनों ध्यान च रखद्या उन्हों एहसास करद्या होया असी जोड़ा अपने स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स गुरु साहब दे टाइम ते हैगे उन्होंने वजा के साडे स्कूल दे बच्चे इत्थे वैस्टर्न वर्ल्ड दे विच जैसे कॉन्सर्ट्स होंदे हन उत्थे जा के परफॉर्म करदे हन ते उन्होंने अवेयर करदे हन कि भी इह साडे सिखां दे साज़ हैगे हन. सो इस एफर्ट नूं साडे भैन जी लीना कौर जी चला रहे हन 217 दे विच एस्टैबलिश कीता सीगा. सो कुछ बच्चे साढ़े कीर्तन के प्रोग्राम के विचों इस प्रोग्राम लिए भी साइन अप करते हैं. सो इन्नी जानकारी देंदे हुए आप जी तो
माफ़ी चाहवांगा कोई किसी ने कोई सवाल होवे जरूर मैं बाद च गलबात कर सकते हो। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। थैंक यू नरेंद्रपाल जी, ये बहुत ही अनथक मेहनत करके साडे स्कूल का कीर्तन प्रोग्राम चला रहे हैं ते नाल इन्हां दे सेवादार हैं सरदार सुजीत सिंह ढेरी ते गुरद्वारा साहब दे विच जो कीर्तन प्रोग्राम हैं उन्हां दे इंचार्ज हैं। सो सानू बड़ी खुशी है कि साडे स्कूल का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं। मैं हुण आप जी नूं नैक्सट प्रोग्राम जो दसन जा रहा हाँ वह कुछ हैं जो साडे स्कूल दे विच कंपीटीशन हुंदे हैं। मैं ज़्यादा समा नहीं लवांगा, साढ़े को तीन एक्चुअली चार मेन कंपीटिशन हैं। इन्हां चो तीन कंपीटिशन असी करते हाँ श्री हेमकुंड फाउंडेशन जिहड़ी कि न्यूयॉर्क है उन्हां नाल मिल के, तो ये जो बच्चे पहले इत्थे इन्हां दे सेंटर लैवल ते कंपीटिशन हुंदे हन जां जोनल लैवल ते, तो फिर बच्चे इंटरनेशनल लैवल ते भी जाते हैं। इन्हें चो एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपीटिशन है जिदे विच असी कोशिश करते हैं कि सारे ही स्कूल के बच्चे हिस्सा लैन, वो है स्पीच कंपीटिशन। हरेक बच्चा अपनी उम्र के हिसाब के नाल एक किताब पढ़ता है, तो फिर उस तो बाद वो किताब के विचों कुछ उन्होंने सवालों के जवाब देने होंगे हैं, तो उस दे बेस के उत्ते अपनी स्पीच तैयार करते हैं। तो पहला वो इत्थे सेंटर लैवल से स्पीच क्लास लैवल से कंपीटिशन होंगे, फिर सेंटर लैवल से, फिर जोनल लैवल से, तो फिर बाद विच इंटरनेशनल लैवल से। इसे काफ़ी हार्ड कंपीटिशन होंदा है, पर जिहड़े बच्चे इस विच हिस्सा लैंदे हन वो बहुत सोहनी स्पीच देनी सीख जांदे हन। तो मैनूं खुशी है कि साडे स्कूल दे बच्चे जिहड़े हन कि बड़े सोहने इनाम लैंदे रहे हन। यह कुछ इनामां दा वेवरा है कि इंटरनेशनल लैवल दे उत्ते 2003 तो लैके हुण तक साडे स्कूल दे बच्चों ने जिन्हें इनाम प्राप्त किए हैं, किसी होर स्कूल दे बच्चों ने इनाम नहीं प्राप्त किए गोल्ड सिल्वर ते ब्रोंज दे लैवल ते। ते अगला जो कंपीटिशन है साडा सिख अपना कीर्तन दरबार दा हुंदा है, इस विच तीन तो पांच बच्चों का जत्था बन के कंपीट करता है, तो उन्होंने गुरमत संगीत के आधार के उत्ते इस दे विच कीर्तन करके असाइंड राग दे विच उन्होंने शब्द पढ़ने होंगे। तो पहला इतने रीजनल लैवल से कंपीटिशन होंगे जिसे कि सारा नॉर्दर्न कैलीफोर्निया है, तो फिर उस तो बाद इंटरनेशनल लैवल पर होंगे है। तो इस विच भी साडे बच्चे बड़ा सोहनी परफॉर्मेंस देते रहे हैं। पिछले तीन साल तो यह प्रोग्राम नहीं हो सकया पेंडेमिक करके, पर असी इस साल इस फिर शुरू करांगे। एक प्रोग्राम है पंथक डिजिटल वीडियो जो कि बच्चों असी इनकरेज करते हाँ कि वह सिख थीम के उत्ते एक छोटी जी तीन तो चार मिनट की मूवी बना, तो इस मूवी का भी कंपीटिशन होंदा है इंटरनेशनल लैवल से हेमकुंड फाउंडेशन वालों। बच्चों को सारे को सैलफोन अवेलेबल ने जिन्हें भी बड़ी सोहनी वीडियो की कैपेबिलिटी है, उन्होंने थोड़ी जी वीडियो एडिटिंग भी सिखाई जाती है, तो बच्चों वास्ते बड़ी चंगी स्किल है टू गेन। तो उम्मीद है कि कुछ बच्चे इस विच भी पार्टिसिपेट करनगे। इस नूं चला रहे ने सरदार जतिंदर सिंह जी नारंग, तो अज इत्थे नहीं हन पर मैं उन्हां नूं आप जी नाल मिलान वास्ते प्रबंध करांगा किसी मौके ते। इस तों इलावा है साडा गुरबाणी कंपीटिशन जो कि इत्थे लोकल बे एरिया विच है, पहलां इत्थे साडे सेंटर लैवल गुरद्वारा साहिब विच होएगा। ये जपजी साहब दे उत्ते आधारित है, हरेक एज ग्रुप वास्ते कुछ कुछ पौड़ियाँ असाइंड होंदिया हैं, बच्चों ने उस असाइंड एरिए दो पौड़ियाँ सुना होंदिया जबानी, उन्होंने प्रोनाउंसिएशन चैक की जाती है, उन्होंने श्रद्धा चैक की जाती है, तो वह बच्चों ने एक पौड़ी जो उन्होंने दसी जाती है पहला ही वो आधार पर स्पीच देनी होंगी है कि मैं इस अपने जीवन में किवें अपलाई कराँगा। सो ये जो सारे कंपीटिशन हैं ये बच्चों के बड़ा उत्साह पैदा करते हैं, तो बच्चों को बड़े सोहने इनाम दिते जाते हैं। असी जो साड़ी फीस असी आप जी को लेंदे हाँ ये बहुता जो साड़ा खर्चा हुंदा है वो बच्चों को इनाम दे के इनकरेज करने हुंदा है, तो असी जो साड़ा कीर्तन प्रोग्राम है उस विच साड़ा स्टाफ पेड हैगा उन्होंने सपोर्ट करने वास्ते हुंदा। मैं हुण आपका समा ज़्यादा नहीं लेंदा, ये बहुत जरूरी है कि आप बच्चों को इनकरेज करो कि वह कंपीटिशन दे विच रजिस्टर करन, तो इस दे उत्ते फिर तैयारी करके असी कोशिश करांगे आप भी उन्हां दी तैयारी करवावांगे ते हिस्सा लैन, तां उन्हां दे जो स्किल्स हन स्पीच दी म्यूजिक दी
फिल्म बनाने दी जां गुरबाणी दी वो इंप्रूव होवे। नेक्स्ट मैं बेनती करांगा साढ़े जो ऑफिस दे मुखी मैनेजर हैं सरदार हर्षदीप सिंह जी, वो आके आप जी नूं साडियां ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन बारे दसन, ते उस तों बाद मैं आप जी नूं साडी सेवा टीम बारे दसांगा। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। इट्स सो गुड टू सी ऑल ऑफ यू बैक हियर इन पर्सन एट द गुरुद्वारा। सानू 3 साल हो गए ने रनिंग ऑनलाइन क्लासेस, सो वी आर सुपर एक्साइटेड टू सी यू ऑल बैक एंड गेट यू ऑल इन योर क्लासेस। आई नो तुसी काफ़ी देर दे बैठे हो, आई विल कीप इट वेरी शॉर्ट एंड क्विक, बट जस्ट टू गिव यू एन आइडिया ऑफ व्हाट हैपन्स इन द ऑफिस, व्हाट गोज बिहाइंड द सीन टू मेक दिस ए सक्सेस, एंड हाउ इज इट दैट वी आर वन ऑफ ए लार्जर स्कूल्स एंड आर एबल टू रन इट। व्हेन वी टॉक अबाउट द ऑफिस, देयर आर लॉट ऑफ फंक्शंस। इट्स ऑल अबाउट गेटिंग द एंटायर स्कूल ऑर्गेनाइज्ड। Every parent has a lot of questions when they come here. We try and answer all those questions. We want to get everybody in classes. So how do we create the classes, the class structure, teacher to child ratio, ensuring the age group of the students is correct, what day or chote bache ikatthe na hon, and trying to also ensure that, you know, the class moves relatively quickly, probably assigning 2 teachers per class. We also try and ensure that we have adequate additional teachers. Kisi Sunday agar ek teacher nahi aa sake, then somebody else is there to be able to take that class. Otherwise, the kids will be here without a teacher. That would be very, slow in progress. Trying and ensure that, you know, we manage the attendance extremely well, both for the teachers as well as the students. And sometimes we see when a student is not coming regularly, the teachers or somebody tries and reaches out to the parent, okay, you know, we've not seen you, if there's anything we can do or make it easier for you to come. Then, as you have seen in the last many, many years, during our school, the syllabus, the books, they are revised every year or every few years. There are modifications, changes, ensuring that that is all done. There's pacing guides, and I'm sure some of these topics have already been covered. In addition to books, usually in some of the classes, you would see that we give out printed material. So there's a lot of work that goes behind the scenes. Har bachche nu je 4 ya 5 ya 10 page da koi print out reading material, exercise li ditta janda across the school. That's something that is all managed at the office. Then, as you know, all kids have school bags, you know, getting them arranged with the school logo. Trophies mil the end of the year, certificates mil dene bachyanu. That is all managed here in our office. Then, of course, we've always had picnics in the past. For a few years, we've not done it, but garmiya che, we've had picnics where we've had gatherings as high as 700-800 people who've come. So that's also something that we arrange. Now, some of the main functions that you see, you may be seeing today and over the next few weeks, is we also do the student registration, ensuring that all the students are registered, their data is correct, who's going to which class, who are the teachers, all of that changes is happening. Then, of course, there's, you know, registration fees, accounting, a lot of expenses in the office, technology enablement. Pichle 2 saal, I think we ran the school completely virtually without coming into the physical premises. Zoom diya classan jehdiya hoya si, WhatsApp de through messages can exchange hoye sige. So it took quite a lot of effort. If we had more than 48 classes and 1 or 2 teachers per class, and then 8 to 10 students or more per class, how much of an online activity had to be arranged to be able to make it a success? That was quite some work that we had to do. Other than that, there is also a seva team that is doing a lot of work that you don't get to see right now. When we have about 600 kids in school on Sundays, ensuring that we have refreshments for them, snacks, pawe ice cream ho gayi, pizza ho gaya, or sometimes we French fries that we make fresh over here,
or other snacks that are made fresh. It's made in the kitchen here. So we have a large team of sevadars that's arranging it. Or 600 bachiyan nu snacks dena within 15 minutes and getting them out also requires a lot of coordination in doing that. So that's one of the activities that they do. Kedi class kithe lagegi, ensuring that there is furniture in the classrooms. Classrooms are clean, the doors are opened. Even in the halls where the classes are assigned, kithe kedi class baithegi, sections on the label karna, all of that planning. You will see in the next 2 weeks, issuing of the books, how the books are given out to all the students. That level of planning. We have a large team of 20 to 30 sevadars who are active, plus additional set of sevadars who are available when their work is required. Audio video system. Jadon vi assembly hundi hai, having projectors, mic, speakers, all of that, any events of the school, all of that is managed, is being done by this team. Then whenever there is any ceremony, getting all the kids together into one place, there's a lot that goes behind it. So all of that is being planned. So, and that's led by one of our key sevadars, Gurpreet Singh. So that is a large seva team that is also supporting us. So this is a large office function that we do. Sada school sirf Sunday nu hunda hai, hafte ch ek baar hunda hai, but this school is as big as any other elementary school that's out there. So you can imagine elementary schools, when they run 5 days a week, 8 hours a day, we try and achieve the same thing in just one Sunday for just about 3 or 4 hours. So I hope you appreciate there's a lot that goes behind the scene. So I hope this gives you an idea of how we run our school. So thank you everyone. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh.